अंतर्राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु समस्त विभागों के साथ की गई समीक्षा बैठक। न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु समस्त विभागों की समीक्षा बैठक आहूत की गई। ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त विभाग चिन्हित किए हुए मामलों को संदर्भित करे तथा अधिक से अधिक संख्या में मामलों को लोक अदालत के दिन लगाकर मामलों का निस्तारण करवाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान ने समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया कि लोक अदालत की सफलता हेतु प्रचार प्रसार को व्यापक स्तर पर करे तथा लोगों के बीच जन जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करे। इस दौरान समस्त विभाग के अधिकारियों ने लोक अदालत की सफलता हेतु एक साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11/9/2021 दिन शनिवार को आयोजित किया जाना सुनिश्चित है, जिसमें व्यापक स्तर पर बैंक, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, सर्विस में वेतन एवं भत्ते, सिविल सर्व, अन्य लघु आपराधिक मामले तथा प्री लिटिगेशन वादों का निस्तारण किया जाना है। 22 न्यायाधीश आरिफ निसामुद्दीन खान। देखते रहे अपना पसंदीदा चैनल ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के साथ ब्यूरो रिपोर्ट देवरिया से रवि प्रकाश। आगामी लोक अदालत के लिए जो कि 11 अगले हफ्ते शनिवार के दिन प्रस्तावित है, माननीय नालसा और माननीय सालसा के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए अभी मीटिंग का दौर चल रहा था, जिसमें श्रम विभाग से आबकारी विभाग, एआरटीओ विभाग और अन्य विभागों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में अपने वादों का निस्तारण करवाएं अपने विभागों से। और कल यह मीटिंग हुई थी, जितने सीओ साहबान हैं, जितने एसओ साहबान हैं, उन लोग की मीटिंग करके ये जितने इसके नोटिस हैं उनके तामीले को लेके एक मीटिंग करी गई थी, जिसमें निर्देश दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करवाएं एवं जो संबंध है उनका सही समय पर तामील करा सकें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में पहुँच कर अपने वादों का निस्तारण करवा सकें। जो लोक अदालत है वो लोगों के हित में आयोजित की जा रही है और लोक अदालत का मतलब यही है कि ये लोगों की अदालत है। तो लोगों से ये जनमानस से ये निवेदन है, आग्रह है कि लोक अदालत में आके अपने वादों का निस्तारण करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सहूलियत, इसका फ़ायदा उठा सकें।